हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज का हमारा पाठ है बेटा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इस पाठ में हम पृथ्वी का जो प्रतिरूप उसके बारे में जानेंगे, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, और जो अक्षांश देशांतर जो रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होती, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो कह रहा है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी कह रहा है हमारी जो पृथ्वी है गोल नहीं है, यह उत्तर दक्षिण, ये कह रहा है यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, यानी ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई अर्थात बैठी हुई है, जबकि भूमध्य रेखा जो जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर ये उभरी हुई अर्थात उभार लिए हुए है, जैसे हम कोई नारंगी होते हैं संतरे, संतरा होती है, उसके प्रकार की हमारी पृथ्वी का आकार है। ये हम कह सकते हैं जो जैसे अंडा होता है बेटा, अंडे के समान हमारी पृथ्वी की आकृति है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। तो मैंने बता दिया बेटा, ये अंडे की आकृति की भांति ये दिखाई देती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक जो ग्लोब होता है ग्लोब को देखेंगे। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार के हो सकते हैं। जो बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब, जैसे बेटा गुब्बारे में हम हवा भरते हैं वो आकृति बढ़ जाती है ग्लोब की, तो इसी प्रकार के जैसे गुब्बारा होता है ना, हवा भरते हैं तो फूल जाता है और हवा निता देते हैं उसको, आसानी से हम छोटा आकार हो जाता है और उसको हम पॉकेट में जेब में रख सकते हैं। जैसे जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे घुमाया जा सकता है, जैसे कुमार पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। ये कह रहा है ग्लोब पर महासागरों और महाद्वीपों को वास्तविक रूप दिखाया गया है, किस प्रकार, जिस प्रकार से पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, उसी का आकार जो है ग्लोब पर दिखाया गया है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी आकृति की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम किसी स्थान की स्थिति कैसे बताएं। कह रहा है अब इसमें बेटा बहुत से देश हैं, महाद्वीप हैं, जगह हैं, वन हैं, तो इन चीज़ों को हम कैसे पहचाने, कैसे किसी चीज़ की वास्तु की स्थिति का हम पता कैसे करें, कैसे पहचान करें। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में हमें आवश्यकता होती है। इसके लिए पहचान के लिए विश्व में विभिन्न स्थानों की पहचान के लिए हमें बिंदु और रेखाओं की जरूरत होती है। अब आगे देखिए, आप देखेंगे ग्लोब एक की सुई झुकी हुई है और अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। बेटा देखिए, मैं आपको ग्लोब का चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए ग्लोब का मैं ये रहा, जैसे ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है तो ये है ग्लोब, ठीक है। अब ये देखिए जो ग्लोब है ये क्या है बेटा, जो ग्लोब है ये झुकी हुई है। देखो हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर क्या है बेटा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुकाव को बेटा क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और झुकाव के कारण ही बेटा क्या बनती हैं, ऋतुएं बढ़ती हैं, ठीक है। और बीचों बीच हमारी पृथ्वी क्या है बेटा, भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य जो रेखा बेटा पृथ्वी को लगभग दो समान भागों में बांटती है, ठीक है। ये कह रहा है जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, देखिए भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। इसे कह रहा है ये भूमध्य रेखा हो गई अपनी, ठीक है। ये जो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, ठीक है, ये जो ऊपरी भाग ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। और ये दक्षिण वाला जो भाग है, नॉर्थ वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, दक्षिणी भाग कहलाता है, ठीक है, या दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब इसको आपको जो नीला जो दिखाई दे रहा है, नीले जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारा क्या है, ये महासागर हैं, ये अर्थात समुंदर हैं, ठीक है। और जो नीला हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हैं अपने महाद्वीप हैं ये, ओके।
समझ में आया आपको। और ये जो हमारी पृथ्वी है झुकाव लिए हुए सूर्य की क्या लगाती, चार ओर चक्कर लगाती। अब हम जानते हैं बेटा अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है। तो देखिए पहला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा अक्षांश, अक्षांश और देशांतर। बेटा जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश यानी जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है, जैसे ग्लोब पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कहलाते हैं अक्षांश। क्या कहलाते हैं बेटा, अक्षांश। 90 अक्षांश तो बेटा होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से, और 90 अक्षांश कहाँ होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। 90 अक्षांश कहाँ होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो कुल संख्या कितनी हो गई, यानी कि 180 तो बेटा क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं, ठीक है। ज़्यादा बताएंगे हम समझ में नहीं आएगा आपको। तो कह रहा है 90 अक्षांश तो होते हैं बेटा दक्षिणी गोलार्ध में, और 90 अक्षांश कहाँ होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। कुल इनकी संख्या होती है 180। अब देखिए, अब ये कह रहा है, अब जैसे जैसे हम ये ध्रुव है बेटे, ये तो हम जानते हैं क्या है, ये ध्रुव है, ये जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, अक्षांशों की लंबाई क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और जैसे कह रहा, चाहे आप ऐसे लगा लो या ऐसे लगा, जैसे हम ध्रुवों से अक्षांश यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, तो इनकी लंबाई कैसे चल जाएगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। इसमें भी ऐसे ही, अब आगे कह रहा है, अब जैसे हम भूमध्य रेखा से, हम भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर आते हैं, तो जो है अक्षांश क्या होते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं, इनकी जो है लंबाई घटती चली जाती है। और बेटा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो जो क्षेत्रफल होता है, जिसे हम कहते हैं दूरी होती है, होती बेटा अमूनन 111 किलोमीटर दूरी होती है। तो बेटा ये हो गए अक्षांश। अब आगे आता है देशांतर। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो देखिए ग्रीनविच रेखा के, ये है अपनी ग्रीनविच रेखा, तो ग्रीनविच रेखा के 180 रेखाएं तो कहाँ पर हैं, पश्चिम में, ये वेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, अच्छा देशांतर है ये। तो 180 देशांतर तो कहाँ है, पश्चिम में है, और 180 देशांतर कहाँ है, पूर्व में है। तो कुल संख्या इनकी कितनी होगी, 180 360 के ऑटे में था देशांतर होते हैं, 360 देशांतर होते हैं। तो ये हो गए अक्षांश और देशांतर। अब कह रहा है विश्व में कहीं पर भी इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी देश, क्षेत्रफल या जगह का हम पता लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आया अक्षांश कितने होते हैं, ये होते हैं 180 होते हैं, और जो देशांतर होते हैं वो कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए, अब हम आगे बता रहे हैं आपको। तो कह रहा आप देखेंगे कि हमने अभी आपको बताया कि एक ग्लोब में, हमारा जो ग्लोब है झुका हुआ है, अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी बेटा झुकी हुई है, यानी ग्लोब का ही प्रतिरूप क्या है, पृथ्वी। जैसे ग्लोब है, इसी प्रकार ब्रह्मांड में या सौर मंडल में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों क्या लगा रही, चक्कर लगा रही है। ग्लोब में दो बिंदु जिससे होकर, जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। गोलाब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी जो बेटा पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में सूर्य के चक्कर लगा रही है। लेकिन याद रखें, दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ये सुई तो हम बेटा ग्लोब इसलिए है क्योंकि समझाने के लिए बता रहा है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, अभी मैंने बताया, ये कह रहा है एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, जैसे ये बेटा पृथ्वी हमारी, ठीक है, और ये क्या है, ये है विषुवत, 0 डिग्री पर आधा ये उत्तरी भाग, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ये उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे कहते हैं विषुवत। विषुवत रेखा कौन सी है, ये जो आपकी जो रेखा है, ये कहलाती है विषुवत रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा भी के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है पृथ्वी के उत्तर में
स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार ईश्वर व्रत पर पृथ्वी एक काल्पनिक व्रत बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताते हुए बताने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विश्वत व्रत से ध्रुवों तक सभी समानांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विश्वत व्रत पर शून्य अक्ष, ये कह रहा है विश्वत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो शून्य अक्ष अक्षांशों को दर्शाती, चूंकि विश्वत पर दोनों तरफ ध्रुवों पर दूरी की पृथ्वी लगभग व्रत का एक चौथाई है, अतः इसका माप 360 डिग्री, इसका जो माप है कह रहा है 360 अंश अर्थात 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश को उत्तरी और उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है। तो कह रहा है इस प्रकार विश्वत के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विश्वत के दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। समझ में आया? अब ये कह रहा है जो उत्तरी जो भाग है ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश और ये क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश। ये जो अक्षांश हैं ये तो दक्षिणी अक्षांश और ये हो गए उत्तरी अक्षांश। ध्यान रहे 90 तो इधर हैं भूमध्य रेखा के और 90 कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो कह रहा है ये इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान को उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो और होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। अभी कह रहा है हम कैसे पहचान करते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है। अब उदाहरण के जरिए बता रहा है, अब महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर जगह है और ब्राजील जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, उसका नाम है, जगह का नाम है बेलो होरिजोंटो, दोनों एक ही, दोनों जो नगर है, दोनों जो जगह हैं एक ही अक्षांश पर स्थित है। और कौन सा अक्षांश है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तर में और जो बेलो होरिजोंटो है वो है विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर और बेलो होरिजोंटो कहाँ पर है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से पता चलता है कि जैसे जैसे विषुवत से हम दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है बेटा, तो अब तक हमने बताया अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनका क्या महत्व है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का जो वीडियो हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।